अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल बहुत खुशी से हम लोग घूमने के लिए गए थे और बहुत ही मजा आएगा हम लोग सोच के गए थे, लेकिन का कीजिएगा, जा ही रहे थे कि रास्ते में पुलिस वाला हम लोग का गाड़ी को पकड़ लिया। और दोस्तों, ड्राइवर के पास लाइसेंस वगैरह नहीं था, वो नहीं पकड़ पाए थे, भूल गए, तो उन्हीं के वजह से हम लोग सारा दिन झेला गए रास्ते में। दोस्तों, पुलिस वाले गाड़ी को अपने पास पूरा दिन भर रखे थे और हम लोग को शाम को 4:30 बजे जैसे गाड़ी को दिए। बहुत ज्यादा इधर उधर दौड़ धूप किए सभी को, इसी के वजह से हम लोग को पार्क जाने में भी काफी लेट हो गया। एकदम शाम शाम को हम लोग जा पाए थे और थोड़ा सा भी मजा नहीं आया। दोस्तों, सासू अम्मा लोग अलग गाड़ी में बैठे हुए थे, तो उन लोग अच्छे से गए और सारा दिन अच्छे से बहुत मौज मस्ती किए, बहुत अच्छे से पार्क में घूमे फिरे। सिर्फ हम ही लोग का गाड़ी को पुलिस वाला पकड़ लिया था, तो हम लोग को नहीं घूमने के लिए थोड़ा बहुत बना, सारा मजा हम लोग का किरकिरा हो गया। पर कोई बात नहीं दोस्तों, अगले बार कभी और हम लोग घूमने के लिए चले जाएंगे और बहुत जल्दी घूमने के लिए प्लानिंग करेंगे। चलिए दोस्तों, कल जो हम लोग कपड़ा पहन के गए थे, तो सभी कपड़ों को मैं धो देती हूँ, गंदा भी हो गया है, और धो के जल्दी से मैं सुखा दूंगी तो अच्छा रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग का इतना ज्यादा कपड़ा हो गया है, तो इसको मैं धो देती हूँ, और अगर ऐसे छोड़ दूंगी तो कल तक और भी ज्यादा कपड़ा बढ़ जाएगा और धोने में भी मुश्किल होगा, क्योंकि ठंड का दिन है तो बहुत ज्यादा ठंड भी लगता है पानी में। तो मैं सभी कपड़ों को अच्छे से सरफ में बोत देती हूँ, ये फूलता रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, सारा कपड़ा अच्छे से धुला चुका है, अब मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा कपड़ा हो गया था। तो चलिए दोस्तों, इसको धूप में डाल देते हैं, फिर नहा धो के रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और अभी का टाइम लगभग 1:15 बज रहा है। तो चलिए दोस्तों, दोपहर के लिए मैं रोटी बना लेती हूँ, आज किसी को चावल खाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं सुबह ही चावल को और चना दाल को मिला के फुला दी थी, तो मैं दोपहर के लिए अभी छिलका रोटी बनाऊंगी। और ये देखिए दोस्तों, मैं चावल और चने को अच्छे से पीस ली हूँ। दोस्तों, नहाने के बाद बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था, तो इसीलिए मैं शाल ओढ़ ली हूँ और ऐसा लगता है कि मेरा तबीयत खराब हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा छिलका रोटी पहले बार का अच्छे से पक गया है, तो इसको मैं दोनों तरफ से सेंक लेती हूँ और हल्का हल्का इसमें मैं तेल भी घस दूंगी, तो रोटी अच्छे से करारी बनेगा। तो दोस्तों, बच्चे लोग बोले कि हम लोग चाय में रोटी खाएंगे, उन लोग को चाय और रोटी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इधर आलिया एक साइड खाते जा रही है और मैं बनाते जा रही हूँ। देखे दोस्तों, लगभग आधा रोटी बन के रेडी हो गया है और आधा को सासू अम्मा बोले कि मैं बना देती हूँ। तो ये देखे दोस्तों, आज हम लोग को दोपहर के लिए हम लोग रोटी खाने का मन किया सभी लोगों को, तो मैं सुबह ही चावल फुला दी थी रोटी बनाने के लिए, इसमें चना दाल मिला के। दोस्तों, दोपहर का खाना बोले कि हम लोग आज नहीं खाएंगे, रोटी ही खाएंगे, तो इसीलिए आज मैं छिलका रोटी बना दी हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे छिलका रोटी बनाकर खाने से। दोस्तों, पूरा एक डब्बा रोटी बन के रेडी हो चुका है और थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो इसको सासू अम्मा बना रहे हैं और चलिए मैं सभी लोगों को दे देती हूँ खाने के लिए। दोस्तों, लगभग दोपहर का 2 बजने वाला है और सभी लोगों को भूख भी लग रहा है और टाइम भी हो गया है खाना खाने के लिए, तो चलिए मैं सभी लोगों को रोटी दे देती हूँ खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सभी लोग मिलकर दोपहर का खाना खा लेते हैं और रोटी में खाने के लिए मैं हम लोग के लिए टमाटर चटनी बनाई हूँ, और हम लोग का बहुत फेवरेट है टमाटर का चटनी। और दोस्तों, थोड़ा सा ही रोटी बनाने के लिए बचा हुआ है, तो उसको सासू अम्मा बनाकर खाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी का टाइम लगभग 4 बज रहा है, तो चलिए चलते हैं लकड़ी खोजने के लिए शाम के लिए। और लकड़ी भी खत्म हो गया है और हम लोग सभी लोग शाम को आग तपाते हैं। तो दोस्तों, रात होने से पहले मेरे को जितना लकड़ी मिलेगा तो उसको मैं ढूंढ के ले जाती हूँ आग तपाने के लिए। तो
दोस्तों मेरे को एक ही जगह इतना ज्यादा लकड़ी मिल गया और लकड़ी भी बहुत अच्छा सूखा सूखा है। और दोस्तों यहीं पर बगल में भी एक बेर का पेड़ है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं, गिरा होगा तो एक आठ ठो खा लेंगे। और दोस्तों ये वाला बेर खाने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम मीठा बेर है, लेकिन एक भी बेर नहीं गिरा था, मैं ढूंढ देखी। तो ये देखिए दोस्तों मेरे को इतना ज्यादा लकड़ी मिल गया है और ये आग तपाने के लिए हो जाएगा हम लोग के लिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर इसको लेकर। और ये देखिए दोस्तों इतना लंबा बांस भी मिल गया है मेरे को, तो इसको मैं खींच के घर पास ले जाऊंगी, फिर वहीं पे तोड़ देंगे, मेरे से नहीं टूट रहा है। तो ये देखिए दोस्तों मेरा लकड़ी का हाथ में काला काला लग गया है, तो चलिए इसको मैं साबुन से अच्छे से धो लेती हूँ। और दोस्तों अभी शाम भी होने वाला है, तो घर सबको भी झाड़ू लगाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी सभी कामों को शाम होने से पहले निपटा देती हूँ, फिर सभी लोग मिलकर आग के पास बैठ के आग सेकाएंगे। तो दोस्तों घर का अंदर बाहर दोनों तरफ झाड़ू लग गया है, तो चलिए अब शाम का तैयारी करते हैं खाने का। तो दोस्तों आज तो कुछ सब्जी नहीं है, सिर्फ करेला ही घर में है, एक दो दिन पहले रोशनी के अबू ला के रख दिए थे, छोटा वाला करेला है। और ये देखिए दोस्तों अभी थोड़ी ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अभी पूरा करेला को नहीं बनाऊंगी, सिर्फ आधा करेला को ही बनाऊंगी, और बाकी करेला को मैं कल दोपहर के लिए मसाला वाला बना दूंगी। सासू अम्मा बहुत ज्यादा खाती हैं मसाला वाला करेला, उनको बहुत अच्छा लगता है मसाला में बना हुआ। और इधर देखिए दोस्तों इधर रोशनी और रोशनी के दादा शाम के लिए आग जलाने का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में सभी कोई आ जाएंगे आग सेकाने के लिए इसीलिए। तो दोस्तों मैं करेला को अच्छे से नमक डाल के अच्छे से गीमच ली हूँ, इसका कड़ूपन निकल जाएगा, तो इसको मैं एक दो पानी में धो लेती हूँ। दोस्तों मैं उधर सब्जी काटने के लिए गई थी, तो मैं अदहन को पहले ही चढ़ा दी थी गरम होने के लिए, तो ये देखिए मेरा अदहन भी अच्छे से खोल गया है, तो मैं चावल को डाल देती हूँ पकने के लिए, और चावल पक जाएगा तब मैं करेला का भुंजिया भी भूंज दूंगी। देखिए दोस्तों करेला का भुजिया भी बन के रेडी हो चुका है, और अभी का टाइम लगभग 8 बजने वाला है, तो अब हम लोग भी गर्मा गर्म खाना खा लेते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाता है, और ऊपर से ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों आज के खाने में करेला दाल और चावल है, और सुबह जो मैं सेमी बनाई थी वो सब्जी है, तो चलिए सभी को अब खा लेते हैं सभी जन मिल के। तो दोस्तों रोशनी के अबू बोले कि अभी मैं थोड़ा लेट में खाऊंगा, तो आप लोग पहले खा लो, तो हम लोग आग के पास आ गए हैं खाना खाने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय।